लखनऊ में पीएफ घोटाले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे से लेकर शक्ति भवन तक पैदल मार्च किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के तेवर को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए। पीएफ घोटाले को लेकर आज सैकड़ों कर्मचारी रोड पे उतर आए। जिस तरह से कहा गया था कि कर्मचारियों के परिवार के लोग भी जो हैं वो आज रोड पे उतरेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की मात्रा में सभी कर्मचारी मौजूद हैं, सभी कर्मचारी के परिवारजन मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त करो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं, तमाम तरह की अपनी बातों को कह रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि आखिर किस तरह की क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। हमारी मांगे वही सीपीएफ के लेके घोटाला जो हुआ है वो पैसा हमें वापस चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें जरूर वापस चाहिए और लेके रहेंगे हम। और ये बताइए, आप लोगों की कल एक मीटिंग भी यहाँ पे बताया गया था कि मीटिंग की थी, क्या निष्कर्ष निकला है उस मीटिंग का? मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, और हम लोगों की मांग है कि जब तक हम लोगों का पीएफ का सारा पैसा जो है सरकार उसकी गारंटी नहीं लेती है, सरकार उसको राजपत्र में जारी नहीं करती उसके लिए आदेश, तब तक हम लोग इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। और आज हमारा यहाँ है और 18 और 19 तारीख को हम लोग सभी जिलों में बैठकर कार्य बहिष्कार करेंगे। और हमारा डेली 11 बजे से 5 बजे तक डेली का कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में हम लोग डेली बैठते हैं 11 बजे से 5 बजे तक। और इसके साथ साथ हमारी कुछ पुरानी मांगें भी हैं, जैसे कि हमारा वेतन विसंगति है और हमारी पेंशन की मांग है, इन मांगों को भी पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये साफ तरह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना ये है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो जिसका प्रदर्शन हम रोड पे उतर कर करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV।